हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन सिंह रावत आपका फिर से स्वागत करता हूँ हमारे खुशी पोल्ट्री ब्लॉग्स में। दोस्तों आज अपने बर्ड्स फाइनली 10 दिन के हो चुके हैं और आप देख पा रहे होंगे बच्चे अच्छे से सरवाइव कर रहे हैं। जो हमने ये लगा रखा है निप्पल सिस्टम, देखिए बर्ड्स कैसे पानी पीते हैं। इसमें ये इस प्रकार जो है बच्चे पानी पीते हैं और शेड है जो बिल्कुल एक नंबर सूखा है। दोस्तों देखिए इसका सबसे बड़ा मेन जो है दोस्तों यही बेनिफिट है कि शेड जो है अपना बिल्कुल सूखा मिलेगा। 10 दिन का बर्ड्स है दोस्तों, 10 दिन के बर्ड्स को पूरे शेड में हमने छोड़ रखा है और अच्छे से बच्चा पानी पी रहा है। आपकी बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें जिसका आंसर मुझे देना है वो मैं आपको दे देता हूँ। मैं वीडियो बहुत कम बना रहा हूँ दोस्तों। ये हमने मेडिसिन मिलाने के लिए टंकी लगा रखी है दोस्तों, तो जब हमें मेडिसिन चलाना होता है तो हम ये मेडिसिन वाला वाल चालू कर देते हैं दोस्तों यहाँ से, और ये अपना टंकी ऊपर से जो पानी आ रहा है वो बंद कर देते हैं। तो ये सिस्टम चलता है अपना। और दूसरा, इसमें जो बच्चे साइजिंग के लिए बर्ड्स छोटे हो जाते हैं ना दोस्तों, उसको जैसे जैसे बड़े बच्चे होते हैं तो फिर हम इसको निप्पल को ऊपर करते हैं चेन कुप्पी के माध्यम से। ये देखिए चेन कुप्पी लगी पड़ी है, तो इससे हम ऊपर नीचे करते रहते हैं। तो मैंने ये जाली लगा करके छोटे बर्ड्स को अलग से पार्टीशन बना दिया है और इस वाले हिस्से को नीचे कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ नीचा कैसे किया है इसने, तो यहाँ पे देखिए एक लॉक लगा हुआ है दोस्तों। ये इसके दोनों नट जो है लूज किया और यहाँ से नीचे हो जाता है, तो ये इस पार्टीशन का मैं इसको नीचे कर दिया ताकि इन बच्चों के जो हाथ आ जाए। हालांकि बच्चे वीक नहीं है, सब एक्टिव है, बट मसला एक है कि ये बच्चे जो हैं छोटे हैं तो इसकी हाइट होने के कारण वहाँ पर बच्चे के पानी हाथ नहीं आता है, तो मैं इसको अलग से पार्टीशन बना दिया इसका। ये करना ज़रूरी था दोस्तों। बाकी आप देख पा रहे होंगे बच्चा जो है अच्छे से पानी पी रहा है, फीड ले रहा है। मैंने पूरे फार्म में इस प्रकार का मैनेजमेंट कर रखा है दोस्तों। इसको ना तो हमने चिक्स ड्रिंकर दिखाया है और ना ही हमने इसको जैम्बो ड्रिंकर दिखाया है, केवल और केवल निप्पल से पी रहे हैं। और बच्चे देखिए आप बढ़िया से एक्टिव है, एकदम फर्स्ट क्लास। और बॉडी वेट के लिए भी हमने ये लगा रखा है, हालांकि हमने वीडियो नहीं बनाई दोस्तों। 300 ग्राम बॉडी वेट आया, आपको जानकारी के लिए बता दूं मैं, 10 दिन का बच्चा है और 300 ग्राम बॉडी वेट बर्ड्स का है, ठीक है ना। बर्ड्स का अभी इस टाइम हर जगह बॉडी वेट कम आ रहा है, उसका रीज़न एक है दोस्तों कि मार्केट में रेट नहीं है, रेट नहीं है तो फीड में गड़बड़ होती है कोई सी भी कंपनी हो, ये नॉर्मली बात होती है दोस्तों, ठीक है ना। और अभी चिक्स फीडर लगे पड़े हैं दोस्तों, फीड बिल्कुल हम हिसाब का डाल रहे हैं ताकि बच्चा खाए, बुरादा इसमें रहता है, पूरा साफ होने के बाद ही नया फीड डालते हैं दोस्तों, ठीक है। हाँ, दूसरी चीज़ एक और बता देता हूँ दोस्तों, अपने पिछला बैच भी जो है हमने आईबी से निकाला था तो उसकी भी मैं आपको छोटी सी जानकारी दे दूँ, क्योंकि आप बार बार कमेंट्स में पूछते हैं कि यार भैया पिछले बैच का क्या आपका रिजल्ट रहा। बता दूँ दोस्तों, 91,300 कुछ पेमेंट मेरा बना था और उसके अंदर जो है TDS भी काट लिया और इनकी कोई ट्रस्ट है उसके भी 700-800 रुपये उस ट्रस्ट में गए, क्योंकि ये जो मालिक है ये कोई ट्रस्ट में डालता है तो हर आईबी का फार्मर है उसका पैसा काटता है, तो वो काट कूट के और 89,000 रुपये जो है अपने अपने अकाउंट में आए दोस्तों, और अच्छा लौट गया, कोई दिक्कत नहीं थी। वीडियो मैं नहीं बना पा रहा हूँ, समय का बड़ा अभाव है। दूसरा दोस्तों, ये चिक्स के लिए हमने जो ये निप्पल सिस्टम जो किया है ना दोस्तों, इसका मुझे बड़ा डर लगा रहता है कि यार बस पानी पी रहा है कि नहीं पी रहा है, कि मैं पता नहीं कितने लोगों को परेशान कर दिया कि भैया बच्चा पानी नहीं पी रहा है, पानी नहीं पी रहा है। लेकिन यार एक चीज़ बोलनी पड़ेगी, हमारा जो सुपरवाइज़र है रणजीत भाई, उसका बड़ा सपोर्ट रहा है, एक हमारे बिट्टूर से है बबन भाई, उसका भी बड़ा सपोर्ट रहा है। वो हौसला थोड़ा बना के रखते हैं कि यार भैया आप जो है आप निश्चित रहिए बच्चा पानी पिएगा इसमें। मैंने कहा यार नहीं पी रहा है, बोले पिएगा। तो बबन भाई अपने फार्म पर आके भी गए थे और उन्होंने ये जो है इसकी लेवल मुझे बता के गए कि यार आप इसकी लेवल थोड़ी ऊपर करिए, बच्चा पानी नीचे कटोरी में पानी आना नहीं चाहिए। छोटी छोटी जानकारी है दोस्तों, जो ऑलरेडी फार्म चला रहे हैं ना ये निप्पल सिस्टम से, उससे मैं लेता रहता हूँ ताकि क्या अपन मात नहीं खाए, क्योंकि इसकी जानकारी अपन को नहीं है और जिस बंदे को जानकारी है ना वही माहिर है इसके अंदर, ठीक है दोस्तों। तो अब बर्ड्स 10 दिन का हुआ है, जब बर्ड्स को मॉडलिटी नहीं है बर्ड्स के अंदर और किसी प्रकार की साइजिंग नहीं है, इसका मतलब प्रॉपरली बच्चा पानी पी रहा है इसके अंदर। हालांकि पानी पी रहा है वो तो मुझे भी दिख रहा है कि वो अपनी जो टंकी लगी हुई है अलग से, मैं जो ऊपर बड़ी वाली टंकी है दोस्तों उससे मैं पानी अभी तक नहीं पिला रहा हूँ, क्योंकि उसका एक रीज़न है, मैं देख पा रहा हूँ कि बच्चा पानी पी रहा है, नहीं तो मैं बार बार ये 200 लीटर वाली टंकी जो नीचे लगा रखी है दोस्तों उसी से मैं मालूम करता हूँ कि बच्चा पानी पी रहा है। जैसे ये खाली होती है मैं दोबारा भर देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि पानी जो है वेस्टेज नहीं जा रहा है। आप देख पा रहे होंगे कोई सी भी निप्पल के नीचे गीला या फिर कोई सी भी निप्पल डायरेक्ट हुई
बिल्कुल आपको नज़र नहीं आएगी, क्योंकि काई पे भी अगर 1% भी अगर लीक होती है ना तो मैं तुरंत पकड़ लेता हूँ उसको, जय सिंह भाई को, जिससे हमने ये काम करवाया। मैंने कहा जय सिंह भाई निप्पल डायरेक्ट हो रही है, आप तुरंत इधर आइए। तो जय सिंह भाई आके मैं जो बताते भी हैं, यार इसको ऐसे कर ले ऐसे कर ले, मैंने कहा भाई मैं कुछ नहीं जानता, तू ही कर, तो वही करके जाते हैं। अभी मैं उनको बड़ा परेशान कर दिया है, पर अब मुझे भी थोड़ी थोड़ी नॉलेज आई है कि यार इसमें अगर कोई निप्पल डायरेक्ट होती है तो इसमें क्या समस्या, कोई कचरा आ जाता है या कोई मिट्टी आ जाती है तो उसकी वजह से दोस्तों इसमें थोड़ी दिक्कत होती है। तो आप देख पा रहे होंगे सिस्टम वाइज वो लगा के गए हैं, सुविधा जो है मुझे बेटर लगी, क्योंकि है ना फिटिंग इसकी अच्छी करी है, उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं मुझे मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये छोटे छोटे आपके क्वेश्चन थे दोस्तों, जिसका जवाब हम आपको दे रहे हैं। और आप जो है कहीं से भी उठा के देख ली लीटर को, बिल्कुल आपको सूखा नज़र आएगा, क्योंकि गीला होता ही नहीं है। हालांकि मैं हर बार जब नोट करता था दोस्तों, अपन छोटा सिक्स ड्रिंकर भी लगाते हैं ना, उसके चारों तरफ जो है गीला हो जाता है और वो फिर धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है। फिर अपन जैसे जेम्बू ड्रिंकर लगाते हैं उससे भी गीला होता है। तो इस अगर बरसात के मौसम में अगर गीला नहीं हुआ ना दोस्तों, तो सर्दी में तो अपन को मज़ा आ जाएगा, ठीक है ना। हालांकि सर्दी में बच्चा कैसे पानी पिएगा क्या करेगा, वो चीज़ें अपन को देखनी पड़ेगी थोड़ा, ठीक है ना। बाकी बेटर है, बहुत से फार्मर मुझे ये चीज़ बताई थी कि यूट्यूब पे भी आके आ रहा है ये निप्पल सिस्टम, इसमें सक्सेस नहीं है ऐसा कुछ है करके बोला। तो दोस्तों थोड़ा मुझे भी लगा यार कि यार ऐसा अगर सिचुएशन हो ही ना, अगर एक बेच भी अपना बिगड़ा तो बहुत ज़्यादा अपन को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। मैंने चाहता दोस्तों कि अपना जो है बिगड़े, समझ गए आप, मतलब अपना बिगड़ना नहीं चाहिए बेच। तो ये निप्पल सिस्टम का दोस्तों, और बढ़िया सा रिजल्ट चल रहा है अपना, कोई दिक्कत नहीं है। बर्ड्स में साइजिंग भी नहीं है, आप देख पा रहे होंगे, तो कोई दिक्कत है नहीं। और वजन थोड़ा कम है, उसका रीज़न यही है कि फीड में दिक्कत है, क्योंकि मेरे साथ में जितने भी लोड डले हैं दोस्तों, सब में बॉडी वेट यही है। अगर उनमें बॉडी वेट अगर ज़्यादा होता और अगर अपने कम होता तो दोस्तों थोड़ा सोचने पर अपन मजबूर होते कि यार निप्पल सिस्टम के कारण ये हो रहा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें दोस्तों मैंने आपको बता दी है, और कोई नया अपडेट आएगा तो मैं आपको फिर बताऊंगा। और आई होप आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों, अगर आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। दोस्तों हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जय हिंद, जय श्री राम।